अरे बेटा, आज इतनी जल्दी आ गए लंच लेकर? हाँ अंकल, आज तो रक्षाबंधन है ना, सबको खाना पहुंचाने के बाद मैं भी अपने बहन का घर जाऊंगा राखी बंधवाने। आपका ही लास्ट डिलीवरी था। अच्छा अच्छा अच्छा। अंकल एक ग्लास पानी मिलेगा? बहुत गर्मी है आज। हाँ हाँ जरूर मिलेगा। तुम अंदर आकर बैठो, टेबल पर टिफिन बॉक्स को रखो, आराम से बैठ जाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ। आओ हाँ आओ अंदर आ जाओ। ये लो बेटा। बेटे बाहर मोटरसाइकिल में कोई हेलमेट वगैरह तो नहीं छोड़ कर आए? नहीं तो कोई उठा के लेके चला जाएगा। अरे अंकल, मेरा होटल तो आपका घर का ही बगल में, इसलिए नहीं लेके आया। और क्या है ना, हेलमेट पहनने से ना बाल बिगड़ जाता है, इसलिए। बेटे अगर तुम हेलमेट नहीं लगाओगे ना तो तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाएगा। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। जब इस देश के बेटे बेटियां बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं तो उसका खामियाजा उनके बूढ़े माँ बाप को उठाना पड़ता है। अंकल तुम्हें शायद पता नहीं बेटे, मेरा भी एक 26 साल का बेटा था, इकलौता बेटा, जवान, हैंडसम, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरे रिटायरमेंट के 2 साल बाद मेरी पत्नी चल बसी, उसके बाद वो मेरा पूरा ख्याल रखने लगा। पापा हाँ चलिए आज इवनिंग शो में एक फिल्म देख के आते हैं। कौन सी फिल्म? सलमान का फिल्म है, बहुत बढ़िया, पूरा एक्शन पैक, चलिए। नहीं बेटा, तू अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने चला जा, मुझे तो घर पर ही रहने दे। मुझे पता था आप नहीं जाएंगे, वो सलमान का जगह अगर आपका दारा सिंह होता तो आप जरूर जाते, और तब आपको कोई ऐतराज भी नहीं होता, है ना? सही कहा बेटे, हमारे जमाने में दारा सिंह माचो मैन था, माचो मैन। आप भी ना पापा। अच्छा बेटे हा? तेरे वो बैंगलोर वाले जॉब का क्या हुआ? वो तो तेरे करियर के लिए बहुत अच्छा है ना? हाँ वो तो था, लेकिन आप तो कहीं बाहर जाने वाले हो नहीं, और मैं आपको छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूँ, इसीलिए मैं वो बैंगलोर वाला जॉब साफ साफ मना कर दिया हूँ। अरे ये क्या कर दिया तूने, ये तो बहुत गलत कर दिया ना तूने। जा सकता हूँ पर एक शर्त पे। क्या? या तो आप मेरे साथ बैंगलोर चलो, या तो फिर आप शादी कर लो, फिर मैं आपकी तरफ से पूरा इत्मीनान हो जाऊंगा। अरे तेरे की अपनी शादी की बात छोड़कर मेरी शादी की बात करता है? वो मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा शुभचिंतक, सब कुछ बन गया। बहुत प्यार करता था वो मुझसे, मुझे आज भी वो दिन याद है, 20 जुलाई 2016, रविवार का दिन था, मेरे बेटे की छुट्टी थी उस दिन। अच्छा पापा, आज खाना तो मैं बाहर से लाया था, बहुत बढ़िया था ना? बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम। और एक एक अगर मीठा पान हो जाता ना पापा तो मजा आ जाता, क्या बोलते हैं? अरे तूने तो मेरे मन की बात बोल दी। एक काम कीजिए पापा, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं बाहर से पान लेके यूं आया, ठीक है? अरे बेटा हेलमेट तो लेता जा। क्या पापा, हेलमेट का क्या जरूरत है, दुकान तो बगल में ही है, मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है? आप थोड़ा वेट करो, आता हूं पापा। ये आजकल के लड़के कुछ बात सुनना ही पसंद नहीं करते। फिर क्या हुआ? जो नहीं होना था वही हुआ। उसके निकलने के 5-7 मिनट बाद ही एक फोन आया मेरे पास। हेलो
मेरा बेटा नहीं लौटा। जब मैं वहां पहुंचा, मेरे बेटे की जगह मेरे बेटे की लाश पड़ी थी। कोई ट्रक उसे टक्कर मारकर चला गया था। सर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई थी। मैं बर्बाद हो गया, मैं जीते जी मर गया, मैं जीते जी मर गया। वो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। उसके जाने के बाद मैं अपने मौत का इंतजार कर रहा हूं। कम भगत मेरे घर का पता भूल गई है। भगवान बेहतर जानता है कि अब मेरा क्या होगा। उस दिन से आज तक अपने बेटे के हेलमेट को बहुत संभाल कर रखा होगा। पता नहीं कब किसको इसकी जरूरत पड़ जाए। और आज मुझे लगता है तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अरे अंकल, मेरे पास हेलमेट है तो होटल पे रखा है। कोई बात नहीं बेटे, आज पहनकर चले जाओ, कल लौटा देना। आज तुम्हें राखी बंधवाने तुम्हारे बहन के घर भी तो जाना है। बेटे, किसी को कुछ पता नहीं, मौत कब किसका इंतजार कहां और किस समय करती। अपने बेटे को तो बचा नहीं पाया। शायद मैं तुम्हें बचा लूं। ओके अंकल, ये मैं पहन के जाता हूं। हर बेटे बेटियों पर उनके मां बाप का कर्ज होता है। औलाद अपनी गलती से बिना हेलमेट लगाए रोड एक्सीडेंट में मौत को गले लगा लेते हैं। अपने बूढ़े मां बाप को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मौला पे भरोसा करता था मैं, मौला पे भरोसा करता हूँ। गावा गसा गनी सा निभानी पापानी सा गावा गनी सा। माजी से गिला है नहीं हमको, मुश्तक बिल से डरता हूँ मैं। मौला पे भरोसा करता था मैं, मौला पे भरोसा करता हूँ। जब कोई नहीं मेरे जानिब तब तूने। आज अगर मैं उनका बात नहीं सुना होता तो शायद उनके बेटे की तरह मैं भी। जब कोई नहीं मेरे जानिब तब तूने निभाया है साथ, गम के सैलाब में डूबा जब तू नहीं मुझे बचाया है। मौला পাশাপাশি নিঃশ্বাসে কাছাকাছি বন্ধুরে তুই মোর সাথী, ভালোবে
শেষে পথ চলা দুঃখকে পিছে ফেলা বন্ধু আমি তোর সাথে ঝড়ের মুখে বাঁচার যে লড়াই তার সাথে বেলা শেষে তোর কাছে ফিরতে চাই রে সাথী। বাড়িতে কোন স্পিরিট আছো? বাবা বাবা, এই খাতাটা পেয়েছি, দেখো বাবা কি সব লেখা আছে, একটু পড়ে শোনাও না। কই দেখি, বস বস। বাবা, ও বাবা শোনাও না, আমার খুব শুনতে ইচ্ছে করছে, কি লেখা আছে এখানে, কি ভাবছো বাবা? ভাবছি একদিন আমি আর তোর জেঠু এই গল্পগুলো নিয়ে ছবি বানাবো ভেবেছিলাম। কিরে ওঠ, এত বেলা হয়ে গেল এখনো ঘুমাচ্ছে, উঠে পড়ো তাড়াতাড়ি। আজ আর নতুন করে কোনো বাহানা চলবে না, তাড়াতাড়ি উঠে মুখ ধুয়ে নাও। ভাই ওঠ,
ওঠ না। ওঠ। আরে দূর, আবার স্কুল যেতে হবে। হ্যাঁ যেতে হবে, আজ আর যাবো না, আর কোনো উপায় নেই। মাকে কি বলবি? কিছু করার নেই, আজকেও স্কুল যেতেই হবে। কিরে ব্রাশ করলি? দুধটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার আগে খেয়ে নে। রোজ রোজ আবার স্কুল। টাটা, বাই। সাবধানে যেও। দাদা, আজ স্কুল না গেলে কেমন হয়? স্কুল না গিয়ে কি করবি? আরে বাঙ্ক করবি আজ, বাঙ্ক। বাঙ্ক? হ্যাঁ, কিন্তু মা যদি জেনে যায়? আরে মা বুঝতে পারবে না, মায়ের অফিস অন্যদিকে আর আমরা অন্যদিকে যাব। কিন্তু কোথায় যাবি? কোথায় যাওয়া যায় বলতো? চ এরা বেশ ভালোই আছে বল। আচ্ছা ভাই, একটা গল্প মাথায় এসছে। এই যে এই বাচ্চাগুলো, এদের কত আনন্দ বল। আচ্ছা, এদের স্কুল যেতে হয় না? সত্যি রে, এরাই জীবনে আসল আনন্দ করছে। হ্যাঁ রে, এদের নিয়ে একটা গল্প বানালে কেমন হয়? ভালো হয়। একটা গল্প ভাবছি, এরা কত ভালো আছে, এরা মুক্ত, এদের কেউ বকার নেই, কেউ বাধা দেওয়ারা নেই, সবার চেয়ে শান্তিতে এরাই আছে। এদের মতো জীবন আর কজনই বা পায়? এরা প্রকৃতির মধ্যে খেলে বেড়ায়, এরাই জীবনের আসল মজাটা উপভোগ করে, এরাই স্বাধীন পাখি, স্বাধীন হয়ে আকাশে উড়ে বেড়ায়। কি লিখছিস? ওই যে তুই যে গল্পটা বললি না, ওটাই লিখছিলাম। ও, গল্প বানাবি? ছবি বানাবি? হ্যাঁ হ্যাঁ, সিনেমা বানাবো। কিন্তু সিনেমা বানাতে গেলে একটা ভালো ক্যামেরা লাগবে তোরে। হ্যাঁ, আমাদের তো ক্যামেরা নেই। একটা ক্যামেরার তো অনেক দাম। অনেক দাম? তার থেকে মাকে বলবো একটা ক্যামেরা ফোন কিনে দিতে। ক্যামেরা ফোন? কিন্তু কিনে দেবে? সেটাই, সামনে পুজো, বলবো অনেক খরচা আছে। এই আমরা বলবো আমাদের জামাকাপড় লাগবে না এবার পুজোতে। আমারটা কিনবো, তোরটা আর কিনবো না। এই আমরা বলবো আমাদের জামাকাপড় লাগবে না, তাহলে ওখানে একটা টাকা সেভ হবে। হ্যাঁ, আর সঙ্গে কিছু এক্সট্রা টাকা অ্যাড করলেই একটা ভালো ক্যামেরা ফোন হয়ে যাবে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, তারপরে আমরা ওটা দিয়ে ছবি বানাবো। হ্যাঁ, ছবি বানাবো। দাঁড়া লিখে নি। দাঁড়া, ছবিটা thank you.
ওই কটা বাজে রে? 11:30। স্কুল ছুটি তো সময় হয়ে গেছে রে। চল 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 বেরিয়ে যাই, না হলে এবার বাড়িতে লেট হয়ে যাবে। ওই মাথায় দারুণ একটা গল্প এসেছে। আরে মা পাশের ঘরেই আছে, আমরা কথা বলছি দেখলে মা কিন্তু, জানিস তো কি হবে? আরে কিছু হবে না, শোন না, ছবি বানানোর গল্প। আরে দারুণ গল্পটা, আর তুই বুঝতে পারছিস না, এখন না বললে আমি পরে ভুলে যাব। আচ্ছা বল। মা আসবে না, শোন তাহলে। একটা ছেলে, আচ্ছা একটা মেয়ে, ওরা খুব ভালো বন্ধু। ছেলেটা মেয়েটার বাড়িতে ভাড়া থাকে। ভালো। তারপর একদিন, এই যে রাহুল এসে গেছো, রিয়া বাড়িতে একা আছে, ওকে একটু দেখো গো, ওর বাবাও বাড়িতে নেই। ঠিক আছে কাকিমা। আমি কি করছি বাচ্চা নাকি? যে ও আমার খেয়াল রাখবে, তুমি যাও তো যেখানে যাচ্ছ। তুই এখন ঘরে যা তো। যা, কারেন্টটা এক্ষুনি যাওয়ার ছিল। মোমবাতিটা আবার কোথায় গেল? না আর পড়া যাবে না, যাই দেখি ম্যাডাম কি করছে একবার দেখে আসি।